Hello, my dear students. This is Swati Chawla I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. So, as you know, in our previous video, I have told you that how to download the sample papers issued by the CBSE. But there, many students ko confusion that the maximum marks of the subject Computer Science is 35, and they have to attempt 45 questions. तो वन क्वेश्चन वन मार्क का है तो ये कहाँ पर क्या है काफी स्टूडेंट्स को इसमें काफी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो इस वीडियो में आपके इसी कंफ्यूजन को हम एकदम क्लियर कर देंगे सो आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि आपका जो वन क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा इसके लिए हम चलते हैं अपना सीबीएसई की वेबसाइट पर सीबीएससी की वेबसाइट हम डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं एज यू नो दिस इज द लिंक टू डाउनलोड द सैंपल पेपर लेट मी शो यू द सैम्पल पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर एक न्यू सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सैंपल क्वेश्चन पेपर राइट आई प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दिस सर्कुलर इन अब अगर आप इसको ध्यान से रीड आउट करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स द फोलोइ पॉइंट आर टू बी नोटेड बाई स्टडिंग टू द सैंपल पेपर फॉर क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म वन

टू गिवन है अब बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड यू हैव टू चेक तो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वहां पर मुझे 45 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम मार्क्स 35 एंड टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड 20 प्लस 20 40 प्लस 5 45 तो दैट मींस दिस दिस वन राइट 35 मैक्सिमम मार्क्स 45 वी हैव टू अटेम्प्ट तो आपका जो वन मार्क का क्वेश्चन हो means जो वन क्वेश्चन होगा दैट जीरो पॉइंट सेवन सेवन मार्क्स इफ यू वॉन्ट की आया किस तरीके से लेट मी शो यू दैट तो आप इसी अकॉर्डिंग किसी भी पेपर का निकाल सकते हैं थर्टी फाइव डिवाइड बाई हाउ मेनी क्वेश्चन तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है जीरो पॉइंट सेवन सेवन सो इस अकॉर्डिंग आपका जो भी मीन्स क्वेश्चन है तो सब इक्वल मार्क्स के बट एक क्वेश्चन एक मार्क का नहीं है

I will provide you the link of this circular in the description of this video also. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying.